नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते रहते हैं। हर व्यक्ति को कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि हमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको चार ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि यदि आप वो टेस्ट करवा लेते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हर व्यक्ति को करवाने चाहिए ये चार ब्लड टेस्ट। हेल्थ के बारे में बताते हैं ये सभी बातें। दोस्तों, ब्लड यानी कि खून हमारे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। यह विभिन्न अंगों, मांसपेशियों और ऊतकों को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की आपूर्ति कराता है और इसके साथ साथ अपशिष्ट उत्पादों और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर करता है। क्योंकि खून हमारे पूरे शरीर और प्रत्येक अंग से होकर गुजरता है, इसीलिए ये आपके अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में ढेर सारी बातें बता सकता है। तो ये जानते हैं आज इस वीडियो के जरिए ऐसे चार ब्लड टेस्ट जो आपके पूरे शरीर की सेहत का राज आसानी से खोल सकते हैं, जिनमें की सबसे पहला स्थान आता है कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर CBC टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट आपके कई अंगों के स्वास्थ्य के बारे में बताता है, इसीलिए एक जरूरी जांच होती है। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट द्वारा आपको लीवर, हार्ट और किडनी के बारे में पता चलता है। इस जांच के द्वारा व्यक्ति के खून में मौजूद सेल्स की जांच की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के खून में रक्त कण कम या फिर अधिक है तो उसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। दूसरा टेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट द्वारा किडनी की सेहत का पता चलता है। किडनी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करती है और शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है। किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ तत्वों का टेस्ट किया जाता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, यूरिया और क्रिएटिनिन इत्यादि। दोस्तों, अगला टेस्ट है थायराइड टेस्ट। थायराइड एक साइलेंट किलर की तरह होता है। यह बीमारी महिला और पुरुष दोनों को ही हो सकती है। इसके लक्षण तब दिखाई पड़ते हैं जब यह बीमारी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। अनिद्रा, तनाव के साथ साथ खान पान में सोडियम और आयोडीन की कमी के कारण थायराइड की समस्या उत्पन्न होती है। थायराइड ग्रंथि के अधिक सक्रिय होने से दिल की बीमारी, वजन कम होना, थकान होने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए थायराइड टेस्ट भी बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, अंतिम टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल की जांच। कोलेस्ट्रॉल की जांच द्वारा दिल के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। इस टेस्ट में LDL के साइज और उनके पार्टिकल्स के बारे में पता लगाया जाता है। इस टेस्ट में आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, HDL, LDL और कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL रेशियो की जांच की जाती है। HDL को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसकी कमी से दिल की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। यदि जांच में HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर 60 मिलीग्राम डेसीलीटर से अधिक है तब दिल की बीमारी होने की आशंका कम हो जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का HDL स्तर 40 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम है तो दिल की बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आपको भी ये चार टेस्ट नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां या फिर हम कह सकते हैं अधिकांश बीमारियों का पता बता सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों और सगे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।